तो वो मेरा बेटा जो है वो सफ़र के अंदर ना मुझे आ, कहता रहता है बाबा मुझे अलकारिया सुनाए और आ, फिर मैं सुनाता हूँ उसको जो उसकी डिमांड्स होती हैं तो माँ का ना मोहम्मद सुनाए फिर मुझे अल्हम्दुलिल्लाह सुनाए तो वो जो है ना वो बड़ा ज़्यादा इंजॉय करता है फिर वो कॉपी करने की कोशिश करता हुँ। हुँ। है फिर बड़ा ज़्यादा वो शाए है लेकिन फिर मैंने एक फार्मूला निकाला उसकी जो है ना वो मैं जब कभी महफिल के अंदर कोई दोस्त वगैरह आते थे उनसे कहता था ना यार, यार तलावत सुनाओ तो उन्हें सुना था अब मैं उसको गोद में बैठाता हूँ उसकी आंखों पर ना हाथ रखता हूँ तो अब वो सुनाता भी है नहीं। मतलब नहीं। <laughs> तो उसको जो है ना ये फील होता है कि नो वन इज़ वॉचिंग मी तो मैं मैं ये समझता हूँ कि वालदे का बहुत बड़ा किरदार होता है एक अपने बच्चों की तरबियत के अंदर भी आगे प्रोजेक्ट्स हैं ये आपकी ये वो चीज़ें हैं जो आपके लिए सदकए जा रही हैं या तो गुनाह जारिया बन जाएंगे या सदकए जारिया बन जाएंगे इस उम्र के अंदर छोटे बच्चे को आप ग्रोइंग एज के अंदर अगर आप आ, कोई ऐसा कॉन्टेंट दिखाएँगे मीडिया के ऊपर कोई मोबाइल फ़ोन या टी के ऊपर जो कि जिसके अंदर लादीनीत का फैक्टर हो तो वो बच्चा जो है ना उसी सब कॉन्शियस के अंदर उसी चीज़ को डिवेलप करेगा जैसे आज हमारे सोसाइटी के अंदर बड़ा अल्मी है आ, बड़ा ज़्यादा एक कंप्लेन है वालदे की कि हमारे बच्चे कार्टून देखते हैं वो हिंदी में डब्ड होते हैं हिंदी लैंग्वेज के अंदर तो वो कहते हैं यार वो जो है ना Uh, कुछ अल्फाज बड़े ज्यादा बोलते हैं कि जो दी दी। जो जो <laughs> बड़े अजीबो गरीब किस्म के वो मैं सुंदर हूँ मैं मतलब ये मैंने जो है ना एक दो चीज़ें सुनी है तो मैं ये समझता हूँ कि बच्चों को जो है ना आप दीन सिखाएं इस एज के अंदर कुरान की देखिए हमने कुरान हिफ्स कर ली क्योंकि हमारे वाले साहब जो हैं वो हमें स्कूल छोड़ने जाते थे तो रास्ते में की कैसेट लगी होती थी तो हमें कुरान का शौक़ डेवलप हो गया कि यार ये कुरान एक बड़ी अच्छी चीज़ है और हमने भी इस जैसा पढ़ना है जिस तरह शेख सुदेश पढ़ रहे हैं जिस तरह शेख शेम पढ़ रहे हैं तो बचपन से ही ना एक टारगेट था कि हिफ़्स करना है कुरान पढ़ना है।, है तो मैं कहता हूँ अपने बच्चों को दीन की तरबियत दे यानी पेरेंट्स ही आइडियल बनाते हैं ना कि अब पेरेंट्स ने हीरोज कौन बनाए हुए हैं आज ये आप सेट करते हैं सर पेरेंट उसके सामने जो हीरो सेट करता है ना अगर माँ बैठी हुई है अपने बच्चों को साथ लेके और ड्रामा देख रही है फिल्म देख रही है तो बच्चा किसको आइडियलाइज़ करेगा फिर ये जो आपके आ, फिल्म स्टार्स हैं उसको ही आइडियलाइज करेगा उन जैसे ही बनना चाहेगा बिल्कुल ऐसे ठीक है फिर वही हरकतें करेगा रियल लाइफ के अंदर जो वो फिल्मों में कर रहा है सही ठीक है सही। उससे दस हाथ आगे करेगा तो अगर आप बच्चे को दीन की तरबियत देंगे तो वो आपके लिए सदका जारिया बनेगा दुनिया के अंदर भी आपका एसेट है कोई भी बच्चा जिसको दीन का फहम है आपने बच्चे को दीन की तरबियत दी हुई है उसको आपने वाला तकुल्ला हम उफियों वाला तनहर हमा सिखाया हुआ है वो कभी जिंदगी में आपका हाथ पकड़ के ओल्ड एज होम में नहीं आपको छोड़ के आएगा वो कभी आपसे बदसलुकी नहीं करेगा आपको उससे कभी जिंदगी में एतराज नहीं होगा कि ये हमारे आगे चीखता चिल्लाता है यह मारपीट करता है उसके आप उसको आपके हकूक का उसको आपके का पूरा मैं, मैं का। अपना एक्सपीरियंस बताऊं मैंने देखा है कि ऐसा जो बच्चा है ना जिसमें दीन की मोहब्बत आप भर देते हैं ऐसा थोपना और चीज है मैं यहाँ बात कर रहा हूँ दीन की मोहब्बत और सुबैल भाई बड़ी इंटरेस्टिंग बात है मैं एक एजुकेशनिस्ट के पास बैठा था उसने तीन स्टेजेस बताई बच्चे की साइको सोशल डेवलपमेंट के लिए उसने कहा पहली स्टेज है इमिटेशन बच्चा सिर इमिटेशन से लर्न करता है अच्छा दूसरी स्टेज है सेल्फ रीजनिंग आप उसको ना कुछ ऐसे थॉट प्रोवोकिंग पॉइंट्स देते हैं सेल्फ रीजनिंग करता है तीसरा है आपकी मैंटोरिंग जिसको हम कहते हैं फॉर्मल इंस्ट्रक्शन यहाँ पे उल्टा है फॉर्मल इंस्ट्रक्शन पहले ये क्यों कर रहे हो ये क्यों कर रहे हो वो क्यों कर रहे हो खुद बाप जो है मोबाइल लेकर बैठा हुआ है उसको मना कर रहा है हर वक्त मोबाइल में जो है वो फंसे होते हैं ये वो माँ जो है खुद ड्रामे देख रही उसे कहती मैंने कुरान हाफिज़ बनाना है उसे कहती जी मैंने इसको कुरान का जो है ना वो दाई बनाना है बहुत बड़ा इमिटेशन जीरो है उसके लिए बल्कि उल्टा वो रेबेलियन की तरफ जाएगा मैं आपको बता रहा हूँ तो इमिटेशन बहुत ज़रूरी है अच्छा एक मज़े की बात आपको बताऊँ आई होप आप माइंड नहीं करेंगे मैं अक्सर मदर्स मुझसे बड़ा परेशान होकर अपने बच्चों की शिकायत करती जी ये इसको मैंने कुरान कराया अभी इधर जा रहा है उधर जा रहा है मैं एक दो को ना आपकी मिसाल दी आई होप यू डोंट माइंड क्योंकि आपने मुझे एक बात बताई थी कि आप मस्जिद से भाग जाते होते थे फ़र्ज़ नमाज में तो मैंने मदर्स को ना काम डाउन किया मैंने कहा आपको पता है कि मेरा एक दोस्त है वो ये करता था और आज आपको पता है वो कौन है तो वो सुन के इतना हैरान होती शौक होती मैंने कहा एवरी वन हैज देर टाइम देखें आपके बच्चे में आप ये डाल रहे हैं ना सबकॉन्शियस में वो एक ना एक दिन रिटर्न ज़रूर मारेगा क्लिक कर जाएगा तो ये ज़रा थोड़ा आप भी शेयर करें कि आप मैं आपको एक बात बताऊँ वो एक आपकी बात से पहले मैं एक बात ऐड करूँगा वो एक ना टोस्ट मास्टर कंपटीशन हुआ था पब्लिक स्पीकिंग पब्लिक स्पीकिंग का वो कोई काहतानी फैमिली का एक बंदा यासर काहतानी गालबन था बंदे का जिसने विन किया था और उसका जो फाइनल टॉपिक था ना वो था पावर ऑफ वर्ड्स तो वो आगाज उसने बड़ा जबरदस्त किया था कहता कि आई केम इन माई रूम तो माई सन वॉज राइटिंग समथिंग ऑन दॉल सही ठीक है स्टॉप डि यू स्टोप तो कहता है कि नेक्स्ट डे आई वेंट बैक टू द रूम और

एक एक डिग्निफाइड बंदा जो है ना वो आ, बनने पे मजबूर किया है hmm. कहता है उसके बाद आज तक ही नेवर डिड दैट अगेन हमारे वालदेन के अंदर आजकल कल hmm. हमारे वालदेन से मुराद ये है कि माशरे के अंदर जो पेरेंट्स हैं यंग पेरेंट्स हैं टॉलरेंस बहुत कम है hmm. और एक मेडिकल के अंदर एक टर्मोलॉजी uh, है वो uh, एक डिजीज़ है एक सिंड्रोम है दैट्स कॉल्ड कैस्पर सिंड्रोम जब बच्चे को आप बहुत ज़्यादा uh, डांटते हैं hmm. मारपीट hmm. करते hmm. hmm. हैं तो वो एक बहुत ही कॉम्प्लेक्सड एक पर्सनैलिटी डिवेलप हुई थी बच्चे को कॉन्फिडेंस दें बच्चे को यार अप्रिशिएट करें बच्चे कैचअप गिर गई कोई ग्लास टूट गया मतलब फिर क्या सीख रहा है यार, यार सीखेगा ना आप सबर सिर्फ बताने के लिए नहीं है हम हमेशा जो है ना ये एक हमारे मुआशे का अलमी है हम हर केस में ना कहते हैं बच्चे गलत हैं यार मैं बताता हूँ कुछ केसेस में वालदेन भी गलत है सबर उनके अंदर जीरो है जीरो टॉलरेंस है जल्दी रिजल्ट घर तुम इरिटेट हो के आए हो बाहर से तुम बच्चों से क्यों इरिटेट हो रहे हो भाई वो तुम्हारा पूरा दिन बैठ के घर पे इंतजार कर रहे हैं और तुम यहाँ पे आते साथ ऊंची बोल रहे हो लड़ाई झगड़ा शुरू कर दी है तुम्हारे अंदर टॉलरेंस ही नहीं है बच्चों बच्चे बर्दाश्त करने की बिल्कुल सही मैं ये समझता हूँ बच्चे एक एक बहुत ही एक खूबसूरत चीज़ होते हैं आप इनको प्रॉपर वक्त दें इनकी तरबियत करें इनको मोहब्बत से शफकत से अपनी बात कन्वे करें इनको सिखाएं तभी ये जो ये आपके पौधे हैं ये ये फल देंगे इमिटेशन मैं जो है ना सॉरी बात काट रहा हूँ मैंने आपके पीछे तरावी पड़ी बेटा आपका ना मस्जिद में कभी इधर भागे कभी उधर भागे मेरे लिए इतनी प्लेजेंट साइट थी ना माशाल्लाह क्योंकि आपको पता है ना मस्जिदों का माहौल है सब बच्चा भागने लगे कहते हैं जी कौन ले आया आगे से डांटते हैं कि निकालो जी किसका बच्चा उसको अच्छी खासी सुनाते हैं अब वो बच्चा क्या देख रहा है इमिटेशन क्या करेगा आपको तिलावत करते देख रहा है पीछे नमाजी देख रहा है माशाल्लाह लोग आपकी कुरान की वजह से रिस्पेक्ट कर रहे हैं वो देख रहा है तो उसका हीरो कौन बन रहा है ऑटोमेटिकली उसका हीरो बाप बन रहा है आप बन रहे हैं और इज़्ज़त किस चीज़ की है कुरान की कुरान की है ये बड़ा सर जरूरी मैं मैं ये समझता हूँ कि एक वाइटल रोल है माँ बाप का अपने बच्चों की तरबियत के अंदर और मैं आजकल के वाले को और बड़ों को जो जिनकी जवान उलादे हैं मैं समझता तो हूँ कि थोड़ा सा टॉलरेंस अपने अंदर बढ़ाएं सबर का दामन पकड़े रखें और अपने बच्चों के साथ ना बड़ी शफकत और मोहब्बत से जो है ना वो पेश आएँ उसकी वजह का आजकल का वो दौर नहीं रह गया है आजकल बच्चों को जो है वो छड़ी का डर नहीं है आजकल नहीं है ऐसे ही। वो दौर ही नहीं रह गया आपको हालात के साथ अपने को बदलना पड़ेगा हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बच्चों के साथ शफकत का हुक्म दिया सही बिल्कुल सही बच्चों के साथ शफकत का दिया। है।, है तो वो आप उनके जो है ना नक्शे कदम पे चलें <laughs> हमारे लिए रोल मॉडल हमारे नबी से बढ़ तो कोई भी नहीं है तो वो इन आपकी इज़्ज़त करेंगे और वो आपको आई एम श्योर कि वो अगर आप उनके साथ एक मुनासिब रवैया करेंगे तो वो आपको कभी लटडाउन डाउन नहीं करेंगे